Today we are talking about tears. Why tear flows? Why do we cry? रोना ये ह्यूमन इमोशंस का एक पार्ट है. हम कई वजह से रोते हैं, जैसे कि जब हम घर पर अकेले होते हैं या अपने फैमिली से दूर होते हैं. जिस पर्सन से हम इमोशनली अटैच होते हैं उसका दूर जाना, या फिर उसके डेथ होने पर हम रोते हैं. फीलिंग ऑफ फियर, एक्सीडेंट होना या ज़्यादा हैप्पी होने पर हम रोते हैं. और कई बार सैड होने पर या गुस्सा दिखाए जाने पर, गुस्सा होने के बाद हम रोते हैं. जानते हैं कि टीयर कैसे प्रोड्यूस होते हैं. टीयर प्रोटीन से बने एक सॉल्टी फ्लूइड है जो लैक्रिमल ग्लैंड से रिलीज्ड होते हैं. लैक्रिमल ग्लैंड आई के अपर और आउटर रीजन में होता है, जो कि आई लीड और आई ब्रोस के बीच में होता है. टीयर ग्लैंड से सिक्रेट होके नीचे फ्लो होते हुए टीयर डक्स के थ्रू आँखों से गिरते हैं. टीयर थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ बेसल टीयर, सेकेंड वन इज़ रिफ्लेक्स टीयर, एंड थर्ड वन इज इमोशनल टीयर्स. बेसल टीयर, ये टीयर कॉन्स्टेंट टीयर है जो हमारी आँखों को मॉइस्ट रखता है. बेसल टीयर तभी पॉज होते हैं जब हम सोते हैं, फिर जब हम जागे होते हैं तो फिर से शुरू होते हैं. ह्यूमन बॉडी हर दिन एवरेज 1.2 ml बेसल टीयर प्रोड्यूस करता है, और ये टीयर नोज थ्रू नेसल कैविटी थ्रू निकलते हैं. रिफ्लेक्स टीयर, रिफ्लेक्स टीयर्स ऐसे टीयर है जो हमारे आई को हार्श इरिटेशन जैसे कि स्मोक, डस्टी वाइंड से बचाने के लिए हेल्प करता है. इसमें क्या होता है कि कॉर्निया में जो सेंसरी नर्व होती है वो ब्रेन को बताती है कि ये एक इरिटेशन है. फिर सेंसरी नर्व ये इन्फॉर्मेशन इम्पल्स थ्रू यानी कि मैसेज थ्रू आई को बताती है टीयर प्रोड्यूस करने के लिए. ये टीयर आँखों को साफ करता है. इमोशनल टीयर्स, जब हम सैड फील करते हैं तो ब्रेन आई को एक मैसेज भेजता है कि वो टीयर प्रोड्यूस करें. ब्रेन ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भेजता है. जब आई ये मैसेज रिसीव करता है तो आंसू बहने लगते हैं. क्या आप जानते हो, बेबी बॉर्न होने के तुरंत बाद वो अक्सर रोते हैं बट उनके आंसू नहीं निकलते, बिकॉज पहले से ही उनकी आई में इनफ क्वांटिटी में मॉइस्चर होता है जो उनकी आई को प्रोटेक्ट करता है. कुछ वीक के बाद ही उनके आंसू निकलते हैं. बेबी अपने रोने से ही अपने इमोशन या फिर ज़रूरत को एक्सप्रेस कर सकता है. आपका बेबी खुद कुछ नहीं कर सकता या बोल सकता, वो आप पर हर ज़रूरत के लिए डिपेंडेंट होता है. वो रोकर ही आपको बता सकता है, इसीलिए बच्चे रोते हैं. अनियन काटते समय आँखों में आंसू क्यों आते होंगे? अनियन काटते समय आँखों से जो टीयर आते हैं वो रिफ्लेक्स टीयर कहलाते हैं. जब हम अनियन काटते हैं तो उसमें से लैक्रिमेटरी फैक्टर सिंथेसिस एंजाइम रिलीज्ड होता है. ये एंजाइम अनियन के अमीनो एसिड को सेल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है. इसके बाद सेल्फ्यूरिक एसिड साइन प्रोपेंथियल्स में कन्वर्ट होता है. जैसे ही साइन प्रोपेंथियल ऑक्साइड हवा के ज़रिए आँखों के कांटेक्ट में आता है और आंसू बहने लगते हैं. क्या वुमेन मैन से ज़्यादा रोती है? सर्वे बताते हैं कि वुमेन मैन से ज़्यादा रोती है क्योंकि वो मैन से ज़्यादा इमोशनल होती है. जब भी हमें रोना आए तो उसी समय रो लेना चाहिए. यह हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है. तो जानते हैं रोने के बेनिफिट्स के बारे में. रोने से आंखें साफ होती हैं. इट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है. टीयर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल एजेंट की तरह काम करता है. इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि लिक्विड होता है, और ये 90-95% बैक्टीरिया को 5-10 मिनट्स में मारने की कैपेबिलिटी रखता है. इट इम्प्रूव मूड, मूड अच्छा रहता है. ये मानते हैं कि रोने से मैग्नीज लेवल कम हो जाता है. अगर हाई हो गया तो एंजाइटी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और थकान होती है. स्ट्रेस कम होता है.
स्ट्रेस की वजह से बॉडी में केमिकल रिलीज्ड हो जाता है, उसे टीयर डिस्ट्रॉय कर देता है। आंसू को रोकने से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टीयर फ्लोज इमोशन। आंसू थेरेपेटिक होते हैं, ये एंजाइटी और डिसअपॉइंटमेंट को बाहर निकालते हैं। सर्वे में पाया गया है कि रोने से दिल हल्का होता है और थोड़ा रिलैक्स फील होता है। इट हेल्प्स सेल्फ सूथ। अपने आप को शांत करने के लिए रोना एक बहुत अच्छा तरीका होता है। रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया है कि क्राइंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है और ये बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेशन करने में हेल्प करता है। डल्स पेन। लॉन्ग टाइम रोने तक ऑक्सीटोसिन और एंडोजेनियस ओपियोइड्स रिलीज्ड होता है। ये फील गुड केमिकल फिजिकल और इमोशनल पेन को कम करने में हेल्प करता है। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा रोते होंगे तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ये डिप्रेशन का साइन हो सकता है। If you like our video, don't forget to click it and share it via Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media platform or site. Also to subscribe us to receive our new videos regularly. Don't forget to click bell icon to receive updates. We will keep posting 3 to 4 videos once a week regularly.